हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज के क्लास में क्लास नाइन्थ का लास्ट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड एंड कंसंट्रेशन के कुछ छोटे मोटे टर्म्स जो कि हमारे सिलेबस में है उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं। जो आज का टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना होगा कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन गिबन कंपाउंड। टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे कि किसी कंपाउंड में एलिमेंट का एग्जैक्ट परसेंटेज पूछा जाए तो कैसे उसको कैलकुलेट हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि जैसे मैं कहूँ हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। मैंने कहा इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ बेटा। क्वेश्चन से ही शुरुआत कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या ये बन सकता है कि हमारे पास एल्कोहल है CH3OH, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ, ऑक्सीजन परसेंटेज। तो ये सारा जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे ही क्वेश्चन बेस्ड हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। तो देखिएगा ध्यान से, बेसिकली जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स का जो फॉर्मूला है वो होता है वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का वेट, वेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड। नेचुरल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज अल्कोहल में पूछ रहा है तो ऊपर लिखेंगे ऑक्सीजन का मास, नीचे लिखेंगे अल्कोहल का मास इनटू 100। अब इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना होता है, वो मैं लिख देता हूँ नोट्स के फॉर्म में, कि ये जितनी भी कैलकुलेशन है ये ऑल कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, हमको 1 मोल एज्यूम करके चलना है। ठीक है, अब कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे CaCO3 में ऑक्सीजन का परसेंटेज, पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, परसेंटेज ऑफ क्या बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन CaCO3। कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में कैसे करें, सबसे पहले 1 मोल एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ, अगर मैं CaCO3 की बात करूं तो इसका मास कितना हुआ, कैल्शियम 40, इसके ग्राम एटॉम ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा कार्बन 12 प्लस 48, और लगभग 100 होगा। लेकिन अगर इसमें मैं ऑक्सीजन पूछूं कितना है बेटा, तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है, कोई 3 ऑक्सीजन है, मतलब 16 × 3 48। अब सिंपल सी बात है कि 48 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, 100 ग्राम हमारे पास क्या है बेटा, सोल्यूशन कंपाउंड है। तो परसेंटेज ऑक्सीजन, अगर हम परसेंटेज ऑक्सीजन को बताएं तो वो होगा वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ CaCO3 इंटू 100, और ये बराबर होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो ये बराबर होगा, बेसिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, 48 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, 48%। तो आपको एक यहाँ से रिजल्ट तो दिख रहा है, एग्जैक्ट अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, है ना, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन, अगर मैं बात करूं CH3OH में, तो सबसे पहले आप 1 मोल CH3OH का मास बताइए, कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, तो 3 इसका हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 प्लस 1, 17 प्लस 3 कितना होता है बेटा, 20 प्लस 12, 32 हो गया। ठीक है, इसका मोलर मास देख लीजिए, 3 प्लस 1 4, 16, 32 हो गया, 32 ग्राम हो गया, है ना। अब अगर मैं
परसेंटेज ऑफ, अगर मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं, इसमें ऑक्सीजन तो 16 है, बोले तो 16 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने करवा दिया। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ दे देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए। जैसे मैं कहूँ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्या बेटा, कार्बन इन C2H6, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन SO2। थर्ड देता हूँ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड डेट इज NaOH। ये तीन क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करने होंगे, और ये परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम यही सारे होते हैं। इनको आप ढंग से रिपीट करिए और रिवाइज करिए। ठीक है, अगला जो हमारा सेशन होगा, उस सेशन में हम लोग जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं, जो कि आखिरी होगा बिल्कुल, उसको हम लोग कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो भैया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू सब लोगों को भैया, थैंक यू।